अव्या बांधेगी राजवीर को राखी, नहीं रहेगी राजवीर की कलाई सुनी। सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस अनदर अपडेट फ्रॉम इंडिया फोरम्स। बात हो रही है जी टीवी के पॉपुलर शो कुंडली भाग्य की, जहाँ के आने वाले एपिसोड में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर करण काव्या से कहता है, तुम्हें जो भी चाहिए तो मुझे बता दो, मैं ड्राइवर से कह के मंगा दूंगा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर काव्या कहती है राखी आने वाली है, मुझे राखी खरीदनी है, तब करण यहाँ पर काव्या को मना नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर काव्या जो है राखी को लेकर काफी एक्साइटेड होती है। और हो भी क्यों ना, इस बार वो शौरिक के साथ राजवीर को भी राखी बांधने वाली है, यानी कि राजवीर की कलाई नहीं सुनी रहेगी। दूसरी तरफ यहाँ पर राजवीर ये सोचकर उदास होता है कि इस राखी उसकी कलाई फिर सुनी रह जाएगी। यहाँ पर काव्या के हाथ में एक राखी देखता है। यहाँ पर राजवीर को लगता है कि काव्या सिर्फ शौरिक को ही राखी बांधने की, उसे नहीं। यहाँ पर वो उदास हो जाता है, लेकिन हम आपको बता दें कहानी में ट्विस्ट तब आएगा जहाँ पर काव्या राजवीर को भी राखी बांधेगी, आखिरकार वो उसे अपना भाई जो मानती है। दूसरी तरफ आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर शनाया और राजवीर को एक साथ देखकर पलकी को जलन होती है, जिसके बाद पलकी जब किचन में होती है तो वहाँ राजवीर आता है। अब यहाँ पर पलकी के सवालों में राजवीर फंस जाता है और पलकी पूछती है कि तुम्हें शनाया पे कौन सी कलर अच्छी लगती है और क्या वो तुम्हें पसंद है। जहाँ पर राजवीर एक दोस्त होने के नाते ये बताता है कि हाँ वो अच्छी है, थोड़ी सी अलग है, हर कोई उसे नहीं समझ पाता। जहाँ पर और भी ज्यादा क्वेश्चन करने लगती है पलकी और कहती है तुम उसे समझ पाते हो। जहाँ पर राजवीर हंसते हुए कहता है हाँ। वहीं पलकी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि पलकी राजवीर से प्यार जो करती है और अभी तक मैडम ने अपने प्यार का इजहार भी नहीं किया है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो है काव्या चोर से पूछती है कि अचानक तुम्हें मेरे कपड़ों की कलर के बारे में कैसे चिंता होने लगी। तो यहाँ पर शौर्य कहता है कभी किसी ने मुझसे कुछ इस बारे में पूछा नहीं था, तुमने पूछा तो मैंने सोचा चलो तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। दरअसल शौर्य यहाँ पर जो है अब राजवीर की जगह लेना चाहता है। दूसरी तरफ यहाँ पर आने वाले ट्रैक में आप ये भी देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर सृष्टि जब लूथरा हाउस आती है और उसकी मुलाकात गिरीश भैया से होती है, तो यहाँ पर वो पानी लेकर आता है सृष्टि के लिए। जहाँ पर गिरीश कहता है लीजिए सृष्टि मैडम पानी, तभी यहाँ पर ये बात राखी सुन लेती है। वहीं यहाँ पर राखी को देखते ही छिप जाती है सृष्टि, क्योंकि सृष्टि को डर लगता है कहीं राखी उसे देख ना ले। फिर राखी यहाँ पर गिरीश से पूछती है, जहाँ पर राजवीर के कहने पर बात घुमा देता है गिरीश और वो कहता है कि मैंने तो छीका था, सृष्टि का नाम नहीं लिया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब यहाँ पर आखिरकार कब शो में राखी और सृष्टि का मिलन होता है और किस तरीके से यहाँ पर राजवीर के चेहरे पर मुस्कान लाती हुई नजर आएगी काव्या उसे राखी बांधते हुए। सीरियल कुंडली भाग्य से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा।